लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कुएं में से निकले बच्चे को अपहरण के लिए छुपाया गया था कुएं में। बता दें, 10 लाख रुपए के लिए किया गया था ये अपहरण। पुलिस ने फिलहाल अपहरणकर्ता सूरज को गिरफ्तार किया है। बता दें, 7 फरवरी को टूला क्षेत्र के चूलावली गांव से 8 साल के बच्चे रोहित वो गायब हो गया था, जिसकी तहरीर थाना टूंडला में उसके परिवार वालों ने दी थी। जब पुलिस ने बच्चे की तलाश की तो बच्चा गांव बनकट के समीप एक कुएं में मिला, जिसे थाने के सिपाही शिव कुमार गौतम ने अपनी जान पर खेलकर कुएं से रस्सी द्वारा उसे निकाला। लेकिन जब बच्चे के मिलने के बाद उससे पूछताछ की गई तो बच्चे ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला युवक सूरज ने ही उसको कुएं में उतारा था। उसकी बात पर पुलिस ने दबिश के दौरान सूरज को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो सूरज ने बताया है कि उसने 8 साल के रोहित का अपहरण 10 लाख रुपए के लिए किया था और इसमें वह अकेला शामिल नहीं है, उसमें उसका साथी श्यामवीर भी शामिल है। क्योंकि फिरौती का जो लेटर था वो श्यामवीर ने ही लिखा था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते फिरौती देने से पहले ही बच्चे को सकुशल बचा लिया गया। फिलहाल पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे जेल भेज रही है। वहीं उसके फरार साथी श्यामवीर की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। जी सर, किस तरह से खुलासा हुआ सर? जैसे आप अवगत हैं कि कल यानी कि 10 फरवरी को एक 8 वर्षीय बच्चे जिसका जो हमें कुएं के अंदर मिला हुआ था घायल अवस्था में, उसको सकुशल बरामद किया गया था। इस बच्चे के दवाई इलाज के बाद जो पूछताछ की गई उससे और हमारी स्वाट सर्विलांस और थाना टुंडला की टीम ने जो काम किया उसके माध्यम से हमको जानकारी मिली कि ये वास्तव में उस बच्चे का अपहरण था और ये अपहरण फिरौती के लिए अपहरण था। अगर समय से पुलिस कार्यवाही न करती और उसको बरामद न किया गया होता तो शायद बच्चे की मौत भी कारित कर देते। इसी तारतम्य में जो अपहरणकर्ताओं में मुख्य अपहरणकर्ता जिसका नाम सूरज उर्फ प्रीतम पुत्र स्वर्गीय राजेश कुमार निवासी ग्राम चुल्हावली है, उसको टुंडला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से वो तकरीबन 70-80 फीट की वो रस्सी बरामद कर ली गई है, जिसके माध्यम से उस बच्चे को कुएं में डाला गया था। इनकी प्लानिंग थी कि 2-3 दिन के बाद फिरौती का एक पत्र भेजा जाएगा, वह पत्र भी पुलिस के हाथ लग गया है, उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। उसको लिखने वाला जो है उसका नाम श्यामवीर पुत्र रामदास सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभी टीम काम कर रही है। फिलहाल मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसका साथी जो श्यामवीर है उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्चा सकुशल है, पूरी तरह खतरे से बाहर है और उसके परिजन इस तरह के खुलासे से और पुलिस की सक्रियता से काफ़ी खुश हैं। इस पूरी टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम भी दिया जा रहा है। सर, जिस तरह की फिरौती वाली बात आई है तो इसमें फिरौती वाली में क्या कुछ इन्होंने लोगों ने डिमांड वगैरह भी की थी? हाँ, उस पत्र में 10 लाख रुपये फिरौती की बात लिखी हुई है, इसीलिए जो 363 का मुकदमा था उसको 364A और 307 IPC की धाराओं में तरमीम कर दिया गया है। शीघ्र ही बाकी बचे फरार मुलजिम श्यामवीर की गिरफ्तारी करके उसे भी जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।